रेडी। नमस्कार दोस्तों, रामपुर मथुरा की ग्राम पंचायत तिलपुरा में इस वक्त मौजूद है और ये बगल में देखिए जो एक गौशाला बना हुआ है, इस गौशाला में तार तो लगे हैं लेकिन बाउंड्री ना होने के कारण जो है जानवर बाहर निकल जाते हैं। और बगल में देखिए कि तरबूज की खेती जो है, अब किसान कितनी मेहनत से जो है फसल उगाता है, पहले तो दिखाइए कि किस तरीके से फसल को बर्बाद कर दिया है। ये किसान रात दिन 24 घंटा जो है जाग कर अपनी फसल को जो है तैयार करता है, लेकिन देखिए कि पूरा, हमें तो लग रहा है कि पूरे खेत में जो है एक जानवर नहीं बिल्कुल हजारों जानवर इसमें घुस करके जो है पूरा बर्बाद कर दिया है, पूरी फसल को जो है तहस नहस कर दिया। अब देखिए कि ये क्या कम समय लगा होगा, कितना खर्चा लगा होगा। एक किसान है भाई साहब, इनसे बात कर लेते हैं, कब का मामला है और क्या नाम है भैया आपका? नाम मेरा श्याम जी अवस्थी नाम है, और आज रात में 3 बजे मेरे पास, मैं सो रहा था, फोन आया तो हम सोच रहे थे 2-3 जानवर होंगे, तो ऐसे ही उठ के चला आया। यहाँ जब आकर देखा तो कम से कम 300 जानवर इस खेत में था। हम थे, हमारे पिताजी साथ में थे, पिताजी ने जो देखा तो उन्होंने कहा अब तो पूरा बर्बाद ही कर दिया है, खाने दो। लेकिन जो यहाँ पे जो रक्षक थे दो, तो वो दौड़ दौड़ के भगा रहे थे। उन्होंने काफी रिक्वेस्ट की, पंडित जी क्या करें, तार मजबूत नहीं है, तार जर्जर हो चुके हैं भाई, 2 साल पुराना तार जर्जर हो जाता है। अच्छा ये बताइए कि किसानों के लिए जो योगी सरकार ये गौशालाएं बनवा रही है, वाकई में आपकी नजर में कैसा सराहनीय कार्य है कि या फिर सही नहीं? देखो कार्य तो सराहनीय है, अगर गौशालाओं का अगर निर्माण हो रहा है तो कार्य तो सराहनीय है, क्योंकि इसमें किसानों को काफी सुकून मिल रहा है। अगर गौशालाएं बन रही तो जानवरों से उनकी फसलें बच रही, लेकिन अगर गौशालाओं के चारों तरफ की बाउंड्री ठीक नहीं होगी, इसलिए तार लगा हुआ है फिर भी जानवर कैसे निकल आए? तार देखो जानवर हैं, उनके बुद्धि दिमाग होता नहीं है, उनको सिर्फ अपने सींगों से खिलवाड़ करना होता है, वो खिलवाड़ कर लेते हैं। तो इसमें इतना आपने कितना लागत लगाई थी? 10 बीघे का प्लाट है और मान के चलिए 15,000 रुपए बीघे की लागत से अगर हम जोड़े तो 1.5 लाख की लागत लगी थी। 1.5 लाख खर्चा किया? जी 1.5 लाख की लागत। आप 1.5 लाख खर्चा किया है तो आप प्रॉफिट तो गया लेकिन जमा भी गई, अब क्या करें? जमा भी गई, अगर हम बात करें तो करें क्या? अच्छा, इसमें गलती किसकी है? गलती तो इसमें अगर हम बात करें कि गांव जो ग्राम पंचायत के जो प्रधान है, प्रधान का क्या नाम है यहाँ के? अनूप प्रधान है। अच्छा, प्रधान जो है उनकी लापरवाही है आपको नजर आ रहा है? जब उन्होंने मेरी आवाज सुनी, खैर हाँ। थोड़ी दूर पे उनका गांव है, वो तुरंत आकर यहाँ पे खड़े हुए, उन्होंने भी कहा पंडित जी हम क्या कर सकते हैं, रात में 3 बजे वो भी हमारे साथ में खड़े। अच्छा, हुए अच्छा, तुरंत आए थे? जी वो तुरंत आए थे, जैसे उनको पता चला कि जानवर काफी निकल चुके हैं गौशाला से, तो उन्होंने वो तुरंत उठा के गाड़ी यहाँ पर आए। उन्होंने कहा हम क्या करें, हम कई बार गुहार कर चुके हैं कि इसकी बाउंड्री की व्यवस्था कराओ, उन्होंने कई बार खर्चा भी किया, चारों तरफ गड्ढे भी बनवाए, लेकिन जानवर है उनको गड्ढों से फर्क नहीं पड़ता, वो कूद के इधर उधर से आकर वो झुंड के साथ निकलते हैं। तो इसकी भरपाई कैसे होगी आपकी? भरपाई में लागत आपकी लगी अभी यहाँ पे कोई अधिकारी को आपने सूचित किया? जी मैंने कई अधिकारियों को सूचित किया है, मैं भरपाई के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आने वाले भविष्य की बात कर रहा हूँ। आज जो नुकसान हुआ है कल को, ऐसा तो नहीं कि किसान, योगी सरकार किसानों की आय दुगनी की बात कर रही थी, उनके जो है जानवर आकर के आय दुगनी कर दिए? देखिए मैं सरकार को ब्लेम कर सकता हूं, लेकिन क्यों अगर हम इनके सरकार के बारे में, अगर तो जो अधिकारी इनके संरक्षण में कार्य कर रहे हैं, मैं उनको ब्लेम कर रहा हूं। सरकार अच्छा कार्य कर रही है, जैसे हमारे संगठन में 100 लोग कार्य कर रहे हैं और मैं तो समझ रहा हूँ सब 100 के 100 अच्छा कर रहे हैं, लेकिन 100 के 100 जनता नहीं कहेगी, अधिकारी नहीं कहेंगे कि हमारे क्षेत्र में किस चीज की कमी है, समस्या है, तब तक योगी सरकार को कैसे पता चलेगा? जी मैंने सरकार को भी एक पत्र लिखा है जिसमें मैंने अपने नुकसान के बारे में भी लिखा है, क्योंकि यही एक खेत नहीं, एक बगल में भी। अच्छा, कितना प्रॉफिट हो जाता अगर इतने सारे तरबूज जब बेचते आप, कितना प्रॉफिट? मान के चलिए 2.5 से 3 लाख रुपए। 2.5 से 3 लाख रुपए, क्योंकि ये प्रॉफिट आपने जो नुकसान आपका हो गया है, लगभग देखा जाए तो हमें लगता है कि पूरे प्लॉट में जो है जानवर पूरा 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 तरबूज खा गए हैं हम। हाँ। कल परसों में इसको बेचने का भी प्लान कर रहे थे कि बेचेंगे, पका हुआ बिल्कुल तैयार हो गया था ना? जी, बिल्कुल तैयार हो चुका था, मैं आपको दिखा सकता हूँ जो जिस हिसाब से उन्होंने खाया है। ये देखिए, ये तरबूज देखिए कि बिल्कुल जो है तैयार है और बिल्कुल बेचने का, अब जो 2-4 ये तैयार नहीं है, खून पसीने की मेहनत से तैयार हुआ है। ऐसे नहीं, किसान इतनी मेहनत से फसल को तैयार करता हो, चाहे वो तरबूज हो, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो धान हो, कोई भी फसल हो, किसान इतनी मेहनत करके जो है फसल तैयार तो कर लेता है, लेकिन जब बेचने की बारी आती है, यहाँ पर तो फिलहाल नया मोड़ आ गया है कि जानवरों ने बर्बाद कर दिया है। अब गलती किसकी आएगी बताइए, योगी सरकार की गलती है क्या, उनके अधिकारियों की गलती है? अधिकारियों की गलती है, अधिकारियों की गलती है, क्योंकि मैंने कई बार विकासखंड अधिकारी से बात की और कई बार मुझे दबाया गया, मुझे धमकाया गया।
था यहाँ पे मौके पे। मैं मुझे उनका कोई शर्मा है उनका नाम तो मनोज कुमार शर्मा मनोज विकासखंड अधिकारी जी विकासखंड अधिकारी जी उन्होंने क्या बताया है? उन्होंने अभी उनको नया प्रकरण मिला है यहाँ के लिए तो उनको अभी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं। उन्होंने काफी दुख जताया, उन्होंने कहा कि हाँ इसके लिए हम कार्य करेंगे। उन्होंने बैठक भी बुलाई है और बैठक में उन्होंने मुझसे भी कहा है कि कल आप आइए और अपना पूरा जो जायजा है वो बताइएगा, हम लोगों से बात करेंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे इस पर। किसान जो ये तरबूज की खेती बगल में है गौशाला के, इतना सारा नुकसान हो गया है, क्या कुछ कहेंगे इसमें? क्योंकि जानवर जानवर इसमें से गए हैं ना गौशाला से। हाँ, गौशाला के साथ तोड़ के निकले हैं। हाँ। बाउंड्री के लिए इसकी गुहार में लगा चुका हूँ। अच्छा अच्छा, आजकल हो रहा है, देखो कब होती है। इस बाउंड्री के बारे में कितने मतलब जो है कितने बार अधिकारियों से कहा है आपने? 10-12 बार कह चुका हूँ। अच्छा, लेकिन बता रहे हैं हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। देखिए आप प्रधान हैं और मुखिया हैं इस ग्राम पंचायत के, अगल बगल क्षेत्र के और अगल बगल के जो खेत हैं, अगर वहाँ नुकसान होता है, यहाँ के जानवर जाते हैं, तो मतलब गलती आपकी, यहाँ की जनता आपको देगी? नहीं नहीं, हमारी गलती देते ही है। तो इसके लिए आप कब तक जो है, अगर ये बाउंड्री बन जाती है तो जो फसल है वो भी सुरक्षित रहेगी, आने जाने वाले लोग जो निकलते हैं कहीं कुछ कोई किसी प्रकार की समस्या ना हो, कब तक ये प्रयासरत रहेगा? तो आज वीडियो साहब आए हैं, उनसे चर्चा हुई है। अच्छा अच्छा, और फिर देखो उन्होंने कल बुलाया है ब्लॉक पे और कल नए वीडियो साहब आ रहे हैं तो कल बैठक होगी। तो ये जो किसानों का इतना नुकसान हुआ है इसके बारे में आप मतलब कितना जो है प्रयासरत करेंगे कि इनकी भरपाई जो है किस तरीके से, इनके जो किसानों को जो नुकसान हुआ है ये कैसे इनको मिलेगा? अब इनकी भरपाई के लिए भी कुछ नहीं, क्योंकि आप प्रधान हैं, आप भी थोड़ा सा जो है प्रयासरत रहेंगे तभी उनकी जो है जो 2.5-3 लाख उनको जो प्रॉफिट होना था, जो भी लागत लगी, प्रॉफिट की तो बात ही खत्म हो गई, और जो भी लागत लगी वो तो अब मिट्टी में मिल गई है। 2.5 लाख वो तो गया ही गया और 1.5 लाख लागत भी गई जी। 1.5 लाख लागत भी गई, 1.5 लाख लागत के साथ अगर मैं 2.5 लाख का बेचता तो 2.5 और 1.5 कितना हुआ? चार लाख की जो है मतलब, क्योंकि अब लागत भी गई, जो 1.5 लाख की लागत गई थी वो भी चली गई, और जो मुनाफा मुझे मतलब उसके लागत के साथ, मैं 1.5 लाख लागत निकालता, उसके साथ 1 लाख मुनाफा निकालता, मतलब 2.5 लाख की फसल बेचता, पूरी तैयार होने पर ही मैं 2.5 लाख की फसल बेचता, अब ये 2.5 लाख भी गए, तो 1.5 लाख तो गए 2.5 लाख ये भी गए, तो 2.5 और 1.5 हो गए 4। तो प्रधान जी कह रहे हैं कि हम कई बार कहे हैं कि बाउंड्री बनवाई जाए लेकिन अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। अब नहीं सुन रहे हैं, आने वाले भविष्य के लिए मैं ये आप लोगों से फिर गुहार कर रहा हूँ, विकासखंड अधिकारी जी से, डीएम साहब से, एसडीएम साहब से, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं भी ये गुहार कर रहा हूँ कि आने वाले भविष्य के लिए हम लोगों को संरक्षण दीजिए, इस गौशाले के चारों तरफ बाउंड्री का निर्माण करवाइए जिससे हम लोग आगे आने वाली फसलों को अच्छी तरीके से कर पाए, वरना हम तो यही करेंगे कि खेती पार देंगे, छोड़ देंगे, और क्या पड़ी रहेगी। नहीं, आप लोगों का जो